नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और ऐलाने जंग का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप सीधे गुलाबी शहर जयपुर से। और ऐलाने जंग में आज हम बात करेंगे देशभर में जिस तरीके से सबसे बड़े चुनाव का पहला फेज आज मुकम्मल हुआ। हालांकि अभी भी कई जगहों पर वोटिंग जारी है क्योंकि शाम 6 बजे तक जो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जो कतारों में लगे, उन्हें अभी भी इजाजत है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। कई जगहों पर 4 बजे 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज भी हम आपको बताएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें भी देश के कोने कोने से जहां जहां पर आज मतदान हुआ है वहां देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। हालांकि अभी जो पूरी तरीके से वोटिंग परसेंटेज कितना रहा पूरा आज दिन भर का, उसे आने में वक्त लगेगा, लेकिन 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो आपके सामने रख देते हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा 5 बजे तक जहां पर वोटिंग हुई वो है पश्चिम बंगाल राज्य, और यहां पर 78% मतदान आज हुआ पहले फेज के तहत। इसके बाद दूसरे नंबर पर असम, 71% मतदान असम में हुआ है पहले चरण में, 5 बजे तक का आंकड़ा है। फिर से आपको एक बार बता दूं, मध्य प्रदेश में 63% रहा यह आंकड़ा 5 बजे तक। 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 63% वोटिंग हो चुकी थी और इसी के साथ तमिलनाडु में 62% वोटिंग 5 बजे तक हो चुकी है। तमिलनाडु में 62%, उत्तर प्रदेश में 58% मतदान 5 बजे तक हुआ है, महाराष्ट्र में 55% मतदान हुआ है, उत्तराखंड में 54% मतदान शाम 5 बजे तक हो चुका था। इसके अलावा राजस्थान में 50%, जहां मैं खड़ी हूं यहां 50% मतदान शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है, अभी अपडेट होगा। 6 बजे तक का जो आंकड़ा रहा वो आज थोड़ी देर बाद जरूर सामने आएगा। और बिहार में सबसे कम आंकड़ा यानी कि 46% मतदान दर्ज किया गया शाम 5 बजे तक। अभी मुकम्मल तस्वीर परसेंटेज की आनी बाकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ देखिए, आज बहुत ही प्रेरणा देने वाली, बहुत सुकून देने वाली, बहुत खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली क्योंकि पहले चरण के लिए युवाओं में एक अलग ही जोश, एक जज्बा दिखाई दे रहा था। नई नवेली दुल्हन, अमूमन ऐसा होता है जब शादी होती है तो विदा होकर दुल्हन ससुराल जाती है, लेकिन हमने देखने को मिला कि जिनकी कल बीती रात शादी हुई थी वो आज सुबह विदा होने से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंची अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो 2024 की यही कहानी, एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं कि पहले मतदान उसके बाद विदाई। शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंचे लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई। असीम और वैशाली की कल रात शादी हुई। सुबह सुबह दोनों शादी के जोड़े में ही पार्लियामेंट बूथ पर वोट डालने पहुंचे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू बूथ पर मौजूद थे। वोटिंग के बाद उन्होंने दूल्हा दुल्हन दोनों से वोटिंग को लेकर बात की। लोकतंत्र के महापर्व की सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक तस्वीर में आपको यहाँ कठुआ के पार्लीवंड इलाके से दिखा रहा हूँ, जहाँ एक नवविवाहित जोड़े ने शादी के बाद सीधा यहाँ इस पोलिंग बूथ पे कदम रखा है और शादी के बाद घर जाने के बजाय वो यहाँ सीधा वोट डालने आए हैं। क्या वजह आप घर जाने के बजाय पहले यहाँ पोलिंग बूथ पर आए? सर, मेरा मन था कि मैं पहले वोट ही डालूँ सर, बाकी सर ये था कि चलो अपना वोट वेस्ट नहीं होने देना, बस यही था सर मेरा। बस पहले बताया था हस्बैंड ने किस तरह हम वोट डालने जाएंगे या सरप्राइज था? सरप्राइज था। तो मंडप के फेरे लेने के बाद आप यहाँ पहुँचे हो, कैसा लग रहा? बढ़िया एक्सपीरियंस है। लोकतंत्र के महापर्व की इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। दीपा बालियान शादी के जोड़े में बूथ पर पहुंच गईं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विदाई से पहले शादी के जोड़े में सजी धजी दीपा वोट देने पहुंची तो देखने वालों की जैसे भीड़ सी लग गई हो। मीडिया के कैमरों की नजर भी सिर्फ दीपा पर ही आकर टिक गई। अब वोट डालेंगे उसके बाद विदाई? हाँ जी, यहाँ से जाने के बाद। अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि भाई हाँ वोट की कीमत? हाँ जी, सब अपनी मतलब वोट की कीमत समझे, वोट तो वेस्ट ना करें और हर मतलब अच्छा नेता चुनने के लिए वोट अवश्य डाले। कुछ इस तरह की तस्वीरें बेंगलुरु में नौकरी करने वाली गायत्री की भी सामने आई। गायत्री रहने वाली उत्तराखंड के नैनीताल की है। कल रात उनकी शादी हुई, सुबह वो भी विदाई से पहले बूथ पर वोट डालने पहुंची। लालकुआ विधानसभा के दलिया गांव के बूथ पर पति पत्नी साथ साथ पहुंचे थे। पत्नी ने वोट डाला और लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने को लेकर खुशी जाहिर की।
मतदान करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अगर वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और आगे सारी चीज़ें सब सही कैसे होंगी। तो इसीलिए मतदान के लिए भी एक्साइटमेंट थी, इसीलिए अभी जा करके विदाई के जस्ट आधे घंटे पौन घंटे बाद अप्रॉक्स वापस मैं वोट देने के लिए आई हूँ, और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर अभी वोट दे करके आ रही हूँ जस्ट। अब इस तस्वीर को देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी के बाद दूल्हा गाड़ी से सीधे बूथ पर पहुंचा वोट देने, तो उत्तराखंड में पौड़ी लोकसभा के कोटद्वार में विदाई से पहले दुल्हन बूथ पर वोट देने पहुंची, डीएम ने सम्मानित भी किया। इसी तरह उत्तराखंड के टिहरी में भी एक नवविवाहित जोड़ा वोट देने पहुंचा। दूल्हा दुल्हन की ये अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व में युवाओं के जोश और उत्साह को बयां कर रही हैं। तो पहले चरण के तहत 102 सीटों के लिए मतदान और 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने किया है। शाम 6 बजे के इस स्पेशल बुलेटिन में मैं अब आपको बताने जा रही हूं उन 6 नेताओं के बारे में जिन पर निगाह पूरे देश की बनी हुई है। अब उनका फैसला तो देखिए जनता ने कर दिया है, लेकिन सियासत के इस पहले चक्रव्यूह का क्या रहा, किस तरीके से उन 6 नेताओं के बारे में आपको जानना क्यों चाहिए, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए सियासत के सिक्स। पहले दौर की 102 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। पहले चरण में कई वीआईपी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। वीआईपी पर हुए मतदान का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पहले दौर में किसने दिखाया कितना दम। महाराष्ट्र के मशहूर शहर नागपुर में भी आज जनता ने वोट डाला। देश में सड़कों का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी नागपुर से एक बार फिर जनता जनार्दन के सामने थे। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा नागपुर, आज नितिन गडकरी के नाम से जाना पहचाना जाता है। नितिन गडकरी लगातार नागपुर में विजयी पताका फहराने की तैयारी में हैं। गडकरी ने वोट डाला और एबीपी न्यूज से बातचीत में जीत की हुंकार भरी। आपकी सीट पर सभी देश की नजर है, क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री है, काफी कद्दावर नेता है, तो कैसी चुनौती लगती है आपको कांग्रेस के साथ? मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, मेरा पूरा विश्वास है मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। गडकरी जोश में थे तो उनके विरोधी और कांग्रेस प्रत्याशी विकास ठाकरे को भी अपनी जीत का भरोसा है। ठाकरे गडकरी के विकास कार्यों को हवा हवाई बातें बता रहे हैं। मतदाता के हाथ में अधिकार है, मतदाता को तय करना है कि जिसे चुन के दिया था उसने सही काम किया, जिस पार्टी को हमने चुन के दिए थे वो पार्टी लोकतंत्र के अनुसार चल रही है। गडकरी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इस बार फिर एक बार हैट्रिक मारेंगे। उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं हूँ, इस बार गिराऊंगा उनको। अब देखना है कि नागपुर की लड़ाई कौन जीतता है, क्या गडकरी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर कांग्रेस के पुराने दिन वापस आते हैं। गडकरी की जीत के बाद आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर। किसान, जाट और मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान हैं। मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान के साथ इस बार आरएलडी का भी साथ मिला है। संजीव बालियान ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला और जीत की हैट्रिक का भरोसा जताया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, सबसे हॉट सीट है, क्या होगा संजीव बालियान की जो है हैट्रिक भी लगनी है इस बार, दो बार से लगातार सांसद हैं। हम तो 24 घंटे उठ रहे हैं, होट ही होट हैं, तो यहाँ मुजफ्फरनगर में सब कुछ होट ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। लेकिन सामने बड़े जाट नेता हरेंद्र मलिक को उतार कर समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर मुकाबला रोमांचक बना दिया है। राजधानी पटना के बाद बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया की सीट भी हाई प्रोफाइल है। यहां से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत उनको टक्कर दे रहे हैं। मोदी के चेहरे के साथ जीतन राम मांझी को इस सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है, तो सामने खड़े आरजेडी के कुमार सर्वजीत का भी दावा ऐसा ही है। 44 वर्ष से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग जानता है, 9 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार विधानसभा का सदस्य रहे हैं, इस नाम पर हमने गया और बिहार की सेवा किया है, इस चीज को लोग जानते हैं। यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, सब मोदी में हैं, सब मोदी जी को देख रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी से सीधा सीधा मुकाबला है यहाँ, वो तो मंच पर कह गए कि गया की जनता मोदी बना। अच्छा ये बताइए कि आप बंदूक लेके जाएंगे तभी ना लड़ाई लड़ेंगे, तो लोकतंत्र का मतलब बंदूक क्या हुआ?
देश के अगर प्रधानमंत्री ने बिहारियों को नौकरी दिया होता तो न लड़ाई होगी, बेरोजगारी दूर हो जाती, तब न उनकी बात चलेगी। अब बात एमपी के छिंदवाड़ा की, उस छिंदवाड़ा की जो पूर्व सीएम कमलनाथ परिवार की मानी जाती है। 2019 की ही तरह इस बार भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। 2014 और 2019 में मोदी लहर के बावजूद यहां हमेशा कांग्रेस का ही पताका लहराया। 9 बार इस सीट से सांसद रहे कमलनाथ ने पत्नी और बहू के साथ वोट डाला। वोटिंग से पहले कमलनाथ ने परिवार के साथ बजरंग बली का आशीर्वाद भी लिया और बेटे की जीत की दुआ मांगी। जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। इस सीट पर नकुलनाथ की टक्कर बीजेपी के विवेक बंटी साहू से हुई, जिनके प्रचार के लिए अमित शाह भी छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। ये वो सीट है जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आते हैं। बीजेपी ने जिन अनिल बलूनी को मैदान में उतारा, वो बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। बलूनी की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल से हुई। अनिल बलूनी ने अपना पैतृक गांव में लाइन में लगकर मतदान किया। बलूनी को भरोसा है कि इस बार भी इस सीट पर कमल खिलेगा। जब मतगणना होगी आपको सारे मुद्दे समझ आ जाएंगे। मुद्दा केवल ये है कि प्रधानमंत्री कौन बने देश का, ये जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। बहुत जो लोग प्रचार में अंदर तक गए, उन्होंने देखा कि बहुत स्पष्ट उनको दिखा है कि पुणे से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोगों का मन था। तमिलनाडु के कोयंबटूर सीट दक्षिण से लेकर उत्तर तक चर्चा का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इस सीट से बीजेपी ने अन्नामलाई को मैदान में उतारा। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं और पार्टी नेतृत्व को अन्नामलाई से काफी उम्मीदें भी हैं। कोयंबटूर वो सीट है जहां से 2 बार बीजेपी जीत भी चुकी है। 400 का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी की नजर तमिलनाडु पर है और कोयंबटूर सीट उसमें प्रमुख है। तमिलनाडु के कई स्टार वोटिंग करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिसमें एक्टर कमल हासन, धनुष और विजय सेतुपति प्रमुख चेहरे रहे। ईवीएम मशीनों में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद हो गया है। अब देखना है 4 जून को विनर कौन। आज देश के उन इलाकों में भी वोटिंग हुई जहां कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, आज वहां लोकतंत्र की गूंज सुनाई दी। छत्तीसगढ़ का बस्तर, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और बिहार का जमुई, ये 3 तस्वीरें देश के उन इलाकों की हैं जहां आज वोटिंग हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन तीनों की गिनती नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में होती है। जहां पहले डर और दहशत का माहौल होता था, वहां अब लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट की ये तस्वीरें देखिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जयप्रकाश यहां वोटिंग कवर करने पहुंचे हैं। बस्तर का इलाका और खासकर यहां का दंतेवाड़ा नक्सलियों का गढ़ रहा है, लेकिन आज बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी वोट देने पहुंची, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाके श्यामगिरी में मैं मौजूद हूं। 2024 का आम चुनाव चल रहा है और यहां पर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए यहां पर देखिए सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग हैं। लगातार यहां पर जो है बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। किसी भी तरह का यहां पर डर और भय का माहौल नहीं है। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की गई है। यहां पर देखिए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की गई है। 5 साल पहले श्यामगिरी इलाके में बीजेपी विधायक की हत्या कर दी गई थी। आज भी रोड पर उस घटना के निशान मौजूद हैं। इलाके में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रखा था। बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा के बीच बस्तर में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। बस्तर के ही एक और बूथ की ये तस्वीर है, जहां आदिवासी रंग में बूथ रंगा हुआ है और वोटरों की लंबी लाइन दिख रही है।
बस्तर सीट पर बीजेपी के महेश कश्यप का मुकाबला कांग्रेस के चर्चित नेता कवासी लखमा से है। अब महाराष्ट्र चलिए, जहां एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सूरज ओझा उस गढ़चिरौली में चुनाव कवर करने पहुंचे हैं जो नक्सलियों के लिए कुख्यात रहा है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से सटा है गढ़चिरौली का ये हेडरी गांव, जहां पिछली बार चुनाव के वक्त नक्सलियों ने तांडव मचाया था। आज संगीनों के साए में वोट डाले गए तो वोटरों का हुजूम पोलिंग बूथ पर बिना किसी खौफ के वोट डालने पहुंचा। महाराष्ट्र का ये गढ़चिरौली का इलाका है, यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर छत्तीसगढ़ है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, गट्टा इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय यहीं पर हमला हुआ था, नक्सलियों ने हमला कर दिया था। उनका ये कहना था कि लोग मतदान ना करें, लेकिन आप देखिए यहाँ पर लोगों की स्पिरिट देखिए, लोग यहाँ पर अपना सांसद चुनने आए हैं, लोग मतदान कर रहे हैं। क्या उम्मीदों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? हमारा गांव का तरक्की हो, यहाँ पे रास्ता का बहुत बड़ा परेशानी है और सड़क बन जाए। इस गांव के पास सूरजागढ़ नाम का पहाड़ है जिस पर नक्सलियों का बेस कैंप हुआ करता था। एक वक्त था जब बूथ पर दिख रहे इन वोटरों को सांस लेने के लिए भी नक्सलियों की इजाजत लेनी होती थी, लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लोग अपना सांसद चुनने निडर होकर यहाँ पर आए मतदान करें, क्या कुछ आप लोग प्रिकॉशन लेते? पिछला वाला माहौल देख के अभी हमने एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवा के, अभी आप देख रहे हो अब क्या जो बीएसएफ के जवान भी खड़े हैं और जिला पुलिस के जवान भी खड़े हैं, तो यहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया है और एक लोगों को हमने सिक्योरिटी दी है। लोग भी मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, उनका भी पुलिस वालों पर भरोसा है और उनको भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद छोड़ के बाहर आना है, आम जिंदगी जीनी है, तो उसके लिए पुलिस उनको जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट कर रही है। महाराष्ट्र से अब आपको बिहार लिए चलते हैं। जमुई बिहार का नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। आज भी वोटिंग के लिए जमुई के कई इलाकों में कम समय रखा गया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बिलाल अहमद नक्सल प्रभावित जमुई के कोएवा गांव में चुनाव कवर करने पहुंचे हैं। इस वक्त हम जमुई के कोएवा गांव में मौजूद हैं और यहां पर देखिए कि वोटरों की लाइन जो है वो भी यहां पर अभी भी देखने को मिल रही है। महिलाओं की भी जो है वो यहां पर उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इलाके में वोटिंग को देखना जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बेहद राहत देने वाली, बेहद जो है वो खूबसूरत एक तस्वीर है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो पिछले कुछ सालों तक नक्सल से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित था। और देखिए आज पहले चरण के तहत राजस्थान की 12 सीटों पर भी मतदान हुआ, सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं हमारे संवाददाता मनीष शर्मा की सीएम भजनलाल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपकी प्रिय चीज से करना चाहूंगा, गिरिराज जी महाराज की जय। ऐसा लगता है कि गिरिराज जी की कृपा बनी हुई है और लगातार बनी है? बिल्कुल, गिरिराज जी की कृपा तो सभी पर बनती है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। मुख्यमंत्री जी, साल 2014 का नतीजा 25-0, साल 2019 का नतीजा 25-0, साल 2024 में उम्मीद 2019 और 14 की तरह 25-0, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कई सीटों पर कड़ा संघर्ष है। नाम भी बताए जा रहे हैं, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, टोंक और सवाई माधोपुर, दौसा। आप क्या सोचते हैं, नतीजा क्या होगा? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि तीसरी बार हम हैट्रिक लगाएंगे, 25 में से 25 सीट बीजेपी की आएंगी। अशोक गहलोत के बेटे जालौर से लड़ रहे हैं, पूरा परिवार प्रचार में कूदा हुआ है उनको, तो आपको लगता है कहीं पर कोई कांग्रेस प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के खिलाफ है? देखो मैं बताऊं, ये तो पिछली बार भी जोधपुर में थे, प्रदेश की जनता ने मन और मानस बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीट जितानी है, क्योंकि उनको भरोसा है। कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करती है, चुनाव के अंदर अफवाहें फैलाती है, उनको पता है
कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है, इसलिए जनता को विश्वास है और जनता उस विश्वास पर वोट करेगी। राम मंदिर एक मुद्दा है मुख्यमंत्री जी? राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमने निमंत्रण भी दिया, उन्होंने निमंत्रण भी ठुकराया, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ जो राम को काल्पनिक बताते हैं, राम को नहीं मानते हैं, आप देख रहे हो कांग्रेस में से राम ही निकल गया। अब अशोक गहलोत कल कह रहे थे, बोले ये सब पछताएंगे बाद में, नतीजे देख के जो जो लोग बीजेपी में गए उनको अफसोस होगा कि हम लोग क्यों गए। लेकिन लोगों को लग रहा है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसमें क्या करेंगे, तो लोग आ रहे हैं कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति और नियत नेता कोई भी ठीक नहीं है। भाजपा का नेतृत्व मजबूत है, नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, इसलिए लोग स्वीकार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स पर आप एक आम व्यक्ति की तरह रुकने लगे, तो जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं तो आपको लगता है कि वाकई में राजस्थान की 8.5 करोड़ की जनता से आप सीधे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन में लगातार मैंने काम किया है, तो कार्यकर्ता हूँ तो मैं कार्यकर्ता की दृष्टि को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ तो जनता की स्थिति को मैं देखता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि पेपर में आया कि VIP जा रहे थे और उसमें एम्बुलेंस फंस गई, कि आज से मैंने उस दिन बुला करके कि बन गई ये आप बंद कर दीजिए, साधारण व्यक्ति की तरफ अगर ऐसे ही हम जाएंगे और आएंगे, मेरी वजह से अगर किसी आम व्यक्ति को परेशानी हो तो वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जैसा फील नहीं करते कार्यकर्ता हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का काम भी किया जाता है, जनता के काम को प्राथमिकता देना मुख्यमंत्री काम नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि वो इसी के लिए है, लोग मेरे से कहते हैं कब मिलेंगे, आज ही मिलेंगे तो भी आ जाइए मेरे यहाँ, लोग आते हैं, अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ तो मेरे को मन में दुख होता है, मैं कहता हूँ सब मिल करके जाइए। अमित शाह साहब जयपुर में रोड शो कर रहे थे, आप भी मौजूद थे, मैंने अमित शाह जी से भी पूछा था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का इन चुनावों में कितना कंट्रीब्यूशन है। हमने हमारे जो हम चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र हम हमारा लेकर के गए थे, हमने 90 दिन के अंदर हमारा वो संकल्प पत्र हम 40-45% पूरा किया है। पिछली सरकार ने जब पेपर लीक हुए थे तब ये बात कही थी कि हम जांच कराएंगे, ये 80 लोग उस समय भी तो गिरफ्तार हो सकते थे, पेपर लीक होने उस समय भी तो रुक सकते थे, ऐसा क्या कमी रही, क्यों नहीं किया सरकार ने, इच्छा शक्ति की कमी थी या उसमें कुछ बड़े लोग शामिल थे, क्या वजह लगती है आपको? मेरी SIT जांच कर रही है, अब तक 80 और 85 लोग गिरफ्तार किए हैं, आने वाले समय में और भी जो लोग होंगे उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितने ही बड़े हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सलाखों के अंदर होगा ये विश्वास दिला सकता हूँ। एक सवाल मेरे 4 महीने से दिमाग में है मुख्यमंत्री जी, वास्ता आज आपसे सीधा हो रहा है, ये बताइए आपको पता था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? सच से देखो मैं आपको एक बार, मैं तो एक कार्यकर्ता होने के नाते काम कर रहा हूँ। कब पता चला? पर्ची में तो सिर्फ नाम था, नाम तो पहले ही पता था, सिर्फ मेरे को जो नाम पुकारा तब पता चला, जब मेरे को पता चला। तो क्या प्रधानमंत्री जी के पहले दौर की तरह इस बार भी लगातार चलते रहेंगे दौरे, या आपको लगता है कि दूसरी जो दौर की सीटें हैं कुछ आसान है, उनमें से ज़्यादातर तो BJP के पक्ष में जाती दिख रही है? देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता होती है वो हम करते हैं, अब भी किया और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप ABP न्यूज़ पर आए, हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू साहब, नमस्कार। और ऐलाने जंग में अब आपको हम दिखाते हैं जमियत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की एक्सक्लूसिव बातचीत, जो कि है मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने। मैं इस समय दारुल उलूम देवबंद में हूं और मेरे साथ में जमियत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि पहला चरण चल रहा है, इंतखाबात इस समय चल रहे हैं, आपकी अपनी अपील क्या? मैंने तो ये बात कही है कि मुल्क के अंदर अकलियत और हर अक्सरियत और अकलियत के लिए जीने में बुनियादी चीज़ है कि मुल्क सेकुलर मुल्क हो। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुल्क में हर बसने वाला, चाहे वो किसी भी अकलियत या अक्सरियत का हो,
वो आज़ाद रहे अपने मजहब के मानने के अंदर, वो अपने मजहब के ऊपर कायम रहे और गवर्नमेंट का कोई मजहब ना हो, यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए सेकुलरिज्म। अगर गवर्नमेंट का अपना मजहब होगा और वो उस मजहब को लेकर अकलियत को उस पर चलाना चाहेगी, ये सेकुलरिज्म नहीं है। आपकी क्या अपील क्या है मतदाताओं? मेरी अपील ये है कि मुल्क के हर आदमी को ये बिल्कुल उसके मजहब को बगैर छेड़े ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो हर जगह अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अपने मजहब को का पाबंद होने का गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये क्या है किसी पार्टी के एजेंडे मैनिफेस्टो में आपको दिखती है? मैं ये कहता हूँ कि कुछ पार्टियों ने ये कहा है कि हम अगर वो इख्तदार के ऊपर आएंगे तो हम किसी के मजहब को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हर आदमी अपने मजहब के ऊपर चलने का आज़ाद होगा। उनको आप कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट किया? समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के अंदर सेकुलर स्टेट को बनाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी ये बात बहुत सही है, इसमें हर अकलियत अपने मजहब के अंदर आज़ाद रहेगी। अभी की तारीख में स्थिति क्या है? अभी क्या मुसलमानों पर कोई खतरा है, परेशानी है, दिक्कत है? मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी स्टेट हैं कि जहाँ यकसा सिविल कोड को लाया गया है, हमारे मसाइल के अंदर तलाक वगैरह के मसाइल के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया है और हमें पाबंद किया जा रहा है कि हम उनके बनाए हुए उसूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने मजहब को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। जो ये कहता है कि हम अगर आएंगे तो हर अकलियत को अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी देंगे, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी चीज़ है और इसके ऊपर हर अकलियत और अक्सरियत को कुर्बान होना चाहिए। इसलिए कि मुल्क का को सेकुलर स्टेट अगर कोई देखना चाहता है तो तभी देख पाए। मैं अगर क्लियर आपकी बात को समझूँ तो आप कह रहे हैं जो यूसीसी की बात करते हैं उनके खिलाफ में वोट होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, या आप ये ताबीर कर रहे हैं, मैं ये ताबीर करता हूँ कि जो ये कहता है कि हम मजहबी आज़ादी देंगे हर एक को, उसकी मुआफ़त के अंदर यूसीसी को आप मजहबी आज़ादी से खिलाफ? जो भी पाबंदी लगाता है किसी के मजहब के ऊपर, हम उसको मुल्क के लिए गैर मुफीद समझते हैं। ये समझते हैं कि ऐसा कहने वाला मुल्क के सेकुलर स्टेट को आग लगा रहा, किरदार को आग लगा रहा। वोटों का बंटवारा, डिवीज़न अकलियतों का ना होने पाए, कि ये भी एक है एक मसला, एक चीज है कि अगर किसी को सेकुलरिज्म से ताल्लुक है और वो ये समझता है कि बगैर मुल्क के सेकुलर स्टेट हुए हम आजादी के साथ नहीं गुजर पाएंगे, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए। तो जयपुर से ऐलान-ए-जंग के स्पेशल एडिशन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।